आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज 25 दिसंबर है, दिन है शुक्रवार और आज तक रेडियो पर शाम का खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं प्रतीक वाघमारे। इस इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट का नाम है दिन भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की अगली किस्त के 18,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब किसान आंदोलन के बीच पीएम के इस कदम का क्या मतलब है ये समझेंगे, फिर बताएंगे कि गुड़गांव में अब बच्चे भी चालान काट सकेंगे, गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक अनोखी पहल। साथ ही बात होगी ब्रेग्जिट की, जहाँ ट्रेड डील साइन हो गई है लेकिन इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, और आखिर में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। कैसी है ये टीम, किस पर गाज गिरी है, किस पर गिरनी चाहिए थी और नहीं गिरी, इस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले हेडलाइन सुनते हैं श्रुतिका से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। किसान संयुक्त मोर्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से भेजी गई चिट्ठी को लेकर कल यानी शनिवार को बैठक करेगा। मोदी ने आज एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। बेमई नरसंहार के मामले में सुनवाई 10 फरवरी के लिए टाल दी गई है। बता दें कि जमीन के लिए चाचा की धोखेबाजी और उसके बाद अपने साथ हुए गैंगरेप का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने अपने साथियों के साथ 18 फरवरी 1981 को बेमई में सामूहिक नरसंहार किया था। साहित्यकार शमसुर रहमान फारूखी का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आज सुबह करीब 11 बजे फारूखी ने आखिरी सांस ली। फिलहाल वे अपने प्रयागराज के घर में रह रहे थे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 23,068 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 336 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसी दौरान 24,661 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का हत्यारा आतंकी उमर शेख के जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने डेनियल पर्ल मामले में चारों आरोपियों को छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। 10 महीने के लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच ब्रेग्जिट ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। ब्रिटेन अब यूरोप के एकल बाजार का हिस्सा नहीं रहेगा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कल मेलबर्न में खेला जाएगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 टीम का ऐलान कर दिया है। इस मैच में नियमित कप्तान विराट कोहली की जगह अंजिक्य रहाणे टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। ये वो समय है जब भारत में कड़ाके की ठंड है, कई बार सर्दी का रिकॉर्ड इसी हफ्ते में बनता है, साल का जो आखिरी हफ्ता होता है, और इस ठंड में कोरोना की आशंकाओं के बीच, कोरोना के नए स्ट्रेन के डर के बीच, जब हम 2020 से पिंड छुड़ा रहे हैं और ये भी हमें मालूम नहीं है कि 2021 कैसा होगा, लेकिन उम्मीदें हैं। और इसी बीच, इसी ठंड में, इसी जाते हुए साल में बड़ी संख्या में किसान देश की राजधानी की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं करीब महीने भर से, और मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानून जो ये सरकार लेकर आई है उन्हें वापस ले लिया जाए, या फिर नया कानून बनाकर MSP के सिस्टम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था को सुरक्षा दी जाए, लिखित में दिया जाए कि MSP नहीं हटेगा। इसी बीच संसद के सेंट्रल हॉल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। किसानों ने नहीं की, किसानों को कहां इतना एक्सेस है कि वो संसद भवन पहुंच जाए, 2 सांसदों ने की है। पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने संसद भवन के सेंट्रल हॉल पहुंचे थे, जहां आम आदमी पार्टी के 2 सांसद
संजय सिंह और भगवंत मान पोस्टर लिए हुए मौजूद थे और कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए उन्होंने मोदी के सामने नारेबाजी की और मोदी थोड़ा दूरी पर ही थे दोनों से, लेकिन जोर जोर से चिल्लाते हुए उन्होंने अपनी बात कही है, सुनिए। वापस लो किसान विरोधी काला कानून, वापस लो एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, वापस लो प्रधानमंत्री जी। इसका वीडियो संजय सिंह ने ट्विटर पर पोस्ट किया है और इसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल भी तवज्जो देते नहीं नजर आ रहे हैं। कुछ बोलना तो दूर, वो इन दोनों सांसदों की ओर देखते भी नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री आज बोले जरूर, कहीं और बोले पर बोले। एक वर्चुअल इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए की ये किस्त है जो देश के 9 करोड़ किसानों को मिलेगी। उन्होंने किसानों से संवाद भी किया और पॉलिटिकल कमेंट्स भी किए बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर, चूंकि बंगाल में चुनाव भी है। उन्होंने प्रहार किया और कहा कि राजनीति की वजह से ममता बनर्जी अपने प्रदेश के किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा नहीं पहुंचाने दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए, क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है, लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वामपंथी शासन वाले केरल में एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियां नहीं है, तो वहां प्रदर्शन क्यों नहीं होते। आपने सुना होगा मंडियां मंडियां बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण कर रहे हैं, लेकिन ये दल, वही दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया, केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है, अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री के इस भाषण पर बात करने के लिए हमारे साथ है कुलदीप मिश्र, आज तक रेडियो के हमारे साथी। कुलदीप, प्रधानमंत्री आज जो बोले उसमें क्या नजर आया आपको? देखिए, नजर तो प्रतीक जैसा आपने बताया कि पहले वीडियो में ही आया, जो आम आदमी पार्टी के सांसदों ने जो नारेबाजी की संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के सामने। आवाज़ तो उन तक ज़रूर पहुंची होगी, वो इतनी दूर नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब देश में किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, इतनी बात उसकी हो रही है, उन्होंने एक इवेंट की शक्ल में पहले से चल रही एक योजना की अगली किस्त जारी की। पॉलिटिक्स में क्राइसिस मैनेजमेंट जो है ना, उसमें टाइमिंग का रोल बहुत होता है प्रतीक, और आपको चीज़ों को जो है पैकेज करना आना चाहिए। तो बिल्कुल प्रदर्शनों पर कोई असर इन 18,000 करोड़ रुपयों के बाद नहीं पड़ने वाला है। ये पहले से चल रही पीएम किसान योजना की अगली किस्त का ऐलान था, लेकिन एक संकेत और एक संदेश सरकार ने देने की कोशिश की है इसके ज़रिए कि हम किसानों के पक्ष में हैं, हम किसानों से जुड़ी, उनके कल्याण से जुड़ी बहुत सारी योजनाएँ चला रहे हैं, उन्हें मदद दे रहे हैं। हर साल 6,000 रुपये हम सीधे किसानों के खातों में, बैंक खातों में पहुँचाते हैं, और हर बार आप देखिएगा बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से आगे भी ये कहा जाता रहेगा कि ये जो प्रदर्शन है किसानों के, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और विपक्ष के बहकावे में आकर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि ज़्यादातर किसान जो है वो देश के इन कृषि कानूनों से खुश है। अब इसमें दूसरा बिंदु यह है प्रतीक कि किसानों का ये इवेंट था, किसानों से जुड़ी बात के ऐलान के लिए प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री इसमें पश्चिम बंगाल को लेकर के आए। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री बोलते थे तो किसी भी विषय पर संबोधन हो, वो किसी न किसी जरिए से बिहार का जिक्र करते थे, और जिसे वो जंगल राज कहते हैं उसका जिक्र आता रहता था। अब ऐसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव होने तक आप बार बार पश्चिम बंगाल का जिक्र सुनेंगे। उन्होंने कहा कि हर राज्य पीएम किसान योजना का फ़ायदा अपने प्रदेश के किसानों को देता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो राजनीतिक द्वेष की भावना है, उस वजह से केंद्र की योजनाओं को
बंगाल के किसानों तक पहुंचाने में वो बात आड़े आती है। कुलदीप, प्रधानमंत्री के भाषण पर रिएक्शंस आए हैं, किसान नेताओं के या विपक्ष के? देखिए, अब तक किसान नेताओं ने तो कोई टिप्पणी नहीं की है प्रतीक, सामूहिक तौर पर। किसी किसान प्रदर्शनकारी ने निजी हैसियत से कुछ कहा हो तो मुझे मालूम नहीं, योगेंद्र यादव भी बयान जारी करते रहते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसान संयुक्त मोर्चा ने अभी कुछ नहीं कहा है। उनकी शनिवार को बैठक है यानी कल, और उसमें तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री के इस भाषण पर रिस्पॉन्स क्या देना है और कैसे देना है। कांग्रेस ने ज़रूर रिएक्शन दिया है, रिएक्शन देने वाली पार्टी आजकल कांग्रेस हो गई है। पार्टी के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने वही बात कही है कि प्रधानमंत्री के पास हिम्मत नहीं है कि वो फेस टू फेस जाकर के किसानों से बात कर सकें। सरकार किसानों तक 18,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट उनके बैंक खातों तक पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन बिचौलिए अब भी हैं, इस सिस्टम में भी हैं, और ये पूरा पैसा किसानों तक नहीं पहुंचता है, ये AR चौधरी ने कहा है, कांग्रेस नेता। बाकी सोशल मीडिया पर भी कई तरह के रिएक्शंस हैं, बीजेपी और बीजेपी समर्थकों की ओर से तो धन्य हो की आवाज़ें हैं, और दूसरी तरफ की भी आवाज़ें हैं जिसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो फ्रीबीज देती नहीं है, मुफ्त में कुछ देती नहीं है, और कोई सरकार अगर फ्रीबीज देती है तो उसको आड़े हाथों लिया जाता है बीजेपी समर्थकों की ओर से। लेकिन जो PM किसान योजना है वो अपने आप में एक किस्म की फ्रीबी ही है, क्योंकि 6,000 रुपये साल में किसानों को दिए जाते हैं। चुहल हो रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन इस पूरे इवेंट की चर्चा हो रही। कुलदीप, टाइमिंग वाली बात आपने कही, ये PM किसान योजना जिसके तहत प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी की है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये समझना ज़रूरी है प्रतीक, और ज़रूरी इसलिए है समझना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। तरुण चुग हैं, सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसे हिस्टोरिकल स्टेप बता दिया है 18,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी किए जाने को, जबकि इस बातचीत में मैं तीसरी या चौथी बार कह रहा हूँ कि पहले से चल रही एक योजना की अगली किस्त जारी की जानी थी, जो जारी की गई है। अंटिल अनले सरकार इस योजना को बंद ना कर दे, ये होना ही था, लेकिन किसान प्रोटेस्ट के बीच उसका ऐलान, उसका प्रेजेंटेशन और उसका इवेंट संभवतः बड़ा रखा गया, ताकि किसान विरोधी होने का जो आरोप सरकार पर लगा है उसको मजबूती से खारिज किया जा सके। अब देखिए, PM किसान योजना है क्या, आपने पूछा। आपको याद होगा 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक चुनावी वादा किया था और जिसकी सूचना राहुल गांधी के जरिए दी गई थी। इसे न्याय स्कीम कहा गया था, इसमें वादा था कि भाई कांग्रेस चुनाव जीतती है 2019 लोकसभा का तो हर किसान को 72,000 रुपये साल में दिए जाएंगे। बीजेपी ने तब तक किसानों के लिए कोई बड़ा वादा किया नहीं था चुनाव में उतरने से पहले, तो कांग्रेस ने जब न्याय स्कीम लाने की बात कही तो उसके बाद, बल्कि बहुत लोग कहते हैं कि उसके जवाब में, फरवरी 2019 की बात है ये, बीजेपी PM किसान योजना लेकर के आई जिसके तहत किसानों को हर 3 महीने में 2,000-2,000 रुपये डायरेक्ट बैंक खातों में देने का ऐलान किया गया, यानी साल भर में हर किसान को 6,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये होता है सीधे बैंक में रकम आती है। ये रकम उन किसानों को मिलती है जिनके पास ज़मीन है, भूमिहीन किसानों को या खेतीहर मजदूरों के लिए नहीं है। एक पोर्टल है इसी काम के लिए, pmkisan.gov.in, जिसकी मदद से किसानों के डेटा को तैयार करके, उनकी पहचान करके और आगे कैश ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जाती है। पहले 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन जिन किसानों के पास थी सिर्फ वो इसकी जद में थे, वो इसके दायरे में थे, बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया और 1 जून 2019 से सारे किसान परिवारों को जिनके पास भी ज़मीन है चाहे कितनी भी हो इस सुविधा के दायरे में ले आया गया। हालांकि एक आमदनी के आधार पर एक क्राइटेरिया बनाया गया और भी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं उसमें, इनकम टैक्स अगर पे किया है तब भी, या आपकी आमदनी हायर ग्रुप में है तब भी, तो आप किसान हैं तब भी आप को ये सुविधा नहीं मिलेगी, आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये जो PM किसान योजना है जिसकी तय समय पर किस्तें सरकार जारी करती है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये शायद 7वीं किस्त थी जो प्रधानमंत्री ने जारी की, हर 3 महीने में ये किस्त सरकार की ओर से जारी की जाती है, इस बार एक बाकायदे वर्चुअल इवेंट करके ये किस्त जारी की गई और ये किसानों के बैंक खातों तक पहुँचती है। पर अब देखना यह है कि अगर शनिवार को या रविवार को जो किसान प्रदर्शनकारी बैठे हैं दिल्ली सीमाओं पर, उनके नेताओं का इस पर क्या रिएक्शन आता है, क्या बयान आता है, क्योंकि सिर्फ किस्त जारी नहीं की गई है, ये तो किया ही जाना था, बहुत सारी बातें भी कही गई हैं, ये भी दावा बार बार किया गया है कि ये भरमाए हुए लोग हैं और मोटा मोटी देश का किसान कृषि कानूनों से खुश है। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन,
जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। अब बात गुड़गांव की करते हैं, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत अब बच्चे रिश्तेदारों और परिवार वालों का चालान काट सकेंगे। इस प्रयास के तहत बच्चे खेल खेल में स्वच्छता की जिम्मेदारी संभालेंगे, साथ ही अपने परिजनों और रिश्तेदारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करवाएंगे। गुड़गांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बच्चों को चालान बुक उपलब्ध करवाएगा, जिसमें स्वच्छता, पॉलिथिन के इस्तेमाल और सैनिटेशन से संबंधी पॉइंट्स होंगे, और परिवार वालों ने अगर नियमों का पालन ना किया तो बच्चे उनका चालान काट सकेंगे। चालान में पैसों के बजाय आइसक्रीम, चॉकलेट और किताबें देनी होगी। इसके अलावा पेपर का इस्तेमाल कम करने के लिए गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन चालान की भी व्यवस्था गूगल फॉर्म्स के जरिए रखी है। इसी पहल के संदर्भ में हमने बात की स्वच्छ भारत मिशन के लिए गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज्वाइंट कमिश्नर धीरज कुमार से, और उनसे पूछा कि बच्चों को इस नई कवायद से जोड़ने के पीछे का विचार क्या है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे जरूरी है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम उस पीढ़ी को संभाल लें। बहुत सारी ऐसी आदतें, ऐसी बातें हैं जो हमारी फिलहाल जो हमारी पीढ़ी चल रही है वो सीख चुकी है, उसके आदत में बदलाव लाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जो आ रही पीढ़ी है उस पीढ़ी को हम जागरूक कर सकें, उनको खेल खेल में सिखा सकें, ऐसा प्रयास करने का कुछ मन में था। तो उसी के चलते एक विचार आया कि क्यों ना खेल खेल में ही बच्चों को स्वच्छता सिखाई जाए, और एक उनको हमने फैमिली सैनिटेशन चालान बुक बनाई और वो हमने सर्कुलेट कराई कि भाई बच्चे अपने घर में जो पेरेंट्स हैं अगर वो वायलेशन करते हैं कोई भी जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उनकी कहीं वायलेशन करते हैं तो वो खेल खेल में अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनका चालान करके, और चालान भी क्या करेंगे, वो चॉकलेट चालान कर देंगे, वो टॉय चालान कर देंगे, वो कोई बुक चालान कर देंगे, इस तरह से ये फाइन लगा के वो खुद भी सीख सकते हैं और परिवार के जो सदस्य हैं उनको जागरूक और प्रेरित कर सकते हैं कि वो सभी स्वच्छता रखें। सर, इस पहल को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई है? जी, इसके संबंध में हमने दो तरह की तैयारियां की हैं। जब हम इस पे काम कर रहे थे तो एक बार हमारे मन में ख्याल था कि हम जो चालान बुक हैं वो थोड़ी जो बच्चों की, जैसे कोई छोटे भीम के उससे और कोई मिक्की माउस के उसमें पिक्स रख के हम वो प्रिंट कराएं और डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन बाद में ख्याल आया कि कहीं ना कहीं ये भी एक कचरे को बढ़ावा देने वाली ही कोशिश होगी, और अगर हम पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पेड़ कटने का कारण भी बनते हैं। तो हमने अब इसके लिए एक ई लिंक हम क्रिएट कर रहे हैं, गूगल लिंक हम रखेंगे, वो शेयर करेंगे सभी बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ, ताकि घर में बच्चे थोड़ा कंप्यूटर भी सीख सकें और उसके माध्यम से हम पेपर को बिना यूज किए पेपरलेसली वो चालान और एक लर्निंग सभी तक पहुंच सके। लंबे वक्त से ब्रिटेन के लिए बड़ा मुद्दा बना रहा ब्रेग्जिट अब मुद्दा नहीं रहेगा। फाइनली डेडलाइन से हफ्ते भर पहले ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया है, डील इज डन। काफी खुश लगे वो इस समझौते से। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने भी डील को लेकर खुशी जाहिर की है। हमने इस पर बात की प्रोफेसर हर्ष पंत से। प्रोफेसर पंत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली में डायरेक्टर स्टडीज एंड हेड ऑफ द स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम है। हमने उनसे पूछा कि दोनों पक्ष काफी खुशी दिखा तो रहे हैं, लेकिन असल में किसे नफा और किसे नुकसान हुआ है ब्रेग्जिट का? नहीं देखिए, ये तो ब्रिटेन को तो ज्यादा फायदा इसमें होगा, खासकर जो बोरिस जॉनसन है उनको राजनीतिक फायदा बहुत है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि बोरिस जॉनसन अपने गवर्नेंस एजेंडा के कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिटेन की जो कोरोना वायरस की हैंडलिंग उनकी बहुत क्रिटिसाइज हो रही है, और बार बार ये बात सामने आ रही थी कि जो ब्रेक्सिट के नेगोशिएशन है उसमें अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं था। आपको याद होगा पिछले हफ्ते एक डेडलाइन थी जो क्रॉस हो गई थी, तो कहीं पर ये चिंता थी कि जो बोरिस जॉनसन जिन्होंने अपनी अपनी सारा राजनीतिक करियर अपना इस पर ब्रेक्सिट के ऊपर लगा दिया था,
शानदार जीत उनको पिछले साल चुनावों में मिली थी, लेकिन उसको गवर्नेंस में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। तो ये जो डील है पॉलिटिकली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो शॉर्ट टर्म में ब्रिटेन को ये एक स्टेबिलिटी देती है कि अगर डील नहीं होती तो 31 दिसंबर 12 बजे रात को बहुत कियोस होता बॉर्डर्स पर, और जो ऑर्डिनरी ब्रिटिश सिटीजन है उनके लिए और बिजनेसेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता ट्रेड, जो बेसिक एलिमेंट है यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच का, उसको आगे ले जा पाना। तो वो जो कियोस से बच गए हैं, एक क्राइसिस से बच गए हैं, और ब्रिटेन ने जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन है, हालांकि ये डॉक्यूमेंट ही करीब 2000 पन्नों का है, उसको पढ़ के डिटेल्स तो बाद में आएंगे सामने, लेकिन जो इनिशियल जो इस पर प्रतिक्रिया है वो ये है कि ब्रिटेन जो चाहता था मोटा मोटे तौर पर उसको मिल गया है, और जो यूरोपियन यूनियन के लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज था कि सॉलिडेरिटी बन रहे यूरोपियन यूनियन में, बाकी देश ना टूटे, तो वो भी एक तरह से कामयाब रहे हैं। इकट्ठे खड़े होकर एक रेड लाइन ड्रॉ करी थी उन्होंने कि इसके आगे हम नहीं जाएंगे, और वो हुआ है कि तो दोनों ही मुझे लगता है पक्ष ये कह सकते हैं कि उनको सफलता मिली है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट्स देखें तो ब्रिटेन का स्टेटमेंट जो है बोरिस जॉनसन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत ज्यादा पॉइंट थी, बहुत ज्यादा यूफोरिक थी, और अगर आप यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर का स्टेटमेंट देखें तो वो एक बड़ा मेजर्ड स्टेटमेंट था। लेकिन दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि दोनों को साथ काम करना है आगे। तो कहीं पर ये जो एक परिस्थिति बन रही है एपिडेमिक की, इकोनॉमिक क्राइसिस की, मुझे लगता है उसको देखते हुए भी इन पर प्रेशर पड़ा कि इनको ये डील करनी चाहिए और अभी करनी चाहिए, और उसके बाद आगे की जो समस्याएं हैं वो आगे टैकल की जाएंगी। अच्छा, हम तो खैर भारत में हैं, ये बताइए हमारे लिहाज से ब्रेग्जिट कैसा है, हमें कोई नुकसान है या फायदा होगा? देखिए, भारत को डायरेक्टली ऐसा कोई नुकसान तो नहीं है, और फायदा इस बारे में है कि अगर जो हम ब्रिटेन के साथ जो दोनों ही तरफ भारत और ब्रिटेन दोनों चाहते हैं कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ब्रिटेन और भारत के बीच में, तो अगर ब्रिटेन इस बात को आगे बढ़ाता है, जैसा कि जॉनसन साहब अगले महीने भारत की यात्रा पर आएंगे, तो कहीं पर भारत को ज्यादा सीरियसली लेकर आगे बढ़ सकता है। इससे पहले अगर ये डील नहीं होती तो भारत के लिए ये परेशानी होती कि वो आगे ब्रिटेन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कैसे करेगा। ब्रिटेन अगर ऑफर भी करता तो भारत उसमें रिजर्वेशन अपने दिखाता है, जैसा कि पिछले 3 साल से चार साल से ब्रिटेन बार बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत आकर ये कहते हैं कि हमको ट्रेड डील चाहिए, और भारत पहले बहुत भारत कहता है कि हम करना चाहते हैं, लेकिन जब तक यूरोपियन यूनियन के साथ आपके आपकी जो पोस्ट ब्रेक्सिट अरेंजमेंट है वो फाइनल नहीं हो जाती, हम इस पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है अब भारत के लिए पॉसिबल है उसको एनविजन कर, ट्रेड डील जो भारत ब्रिटेन के साथ करेगा, जो ब्रिटेन करना चाहता है भारत के साथ, उसके वो आगे वो ऑपरेशनलाइज हो सकती है, वो डिस्कशंस आगे ज्यादा फ्रूटफुली बढ़ सकते हैं। तो मोटा मोटा ये है। दूसरा एलिमेंट इसका जो जो सर्विसेज का है कि ये जो डील हुई है ये ट्रेड इन गुड्स हुई है, इसमें अभी गुड्स जो है वो एक दूसरे ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में चल सकते हैं पुरानी अग्रीमेंट के हिसाब से, जीरो टैरिफ और जीरो कोटा के हिसाब से, तो उसमें तो भारत का कोई बहुत डायरेक्ट रोल नहीं है। लेकिन जो सर्विसेज हैं जहां पर इंडियंस बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ब्रिटेन में या और सर्विसेज सेक्टर में, तो वो जो उस पर जो डिस्कशन है वो अभी होना बाकी है यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच में, तो वो जिस तरह का अग्रीमेंट होगा उससे काफी सारे इंडियन प्रोफेशनल्स को बहुत फर्क पड़ेगा, तो वो मुझे लगता है उसके लिए भारत को वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो ये डील हुई है इससे भारत और ब्रिटेन आगे अपने अपने जो संबंध है उनको आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल से यानी 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। ये बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा और मैच से एक दिन पहले आज टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ 36 रन के स्कोर पर सिमटने के बाद पराजय झेलने वाली इस टीम में काफी फेरबदल हुए हैं। एक तो इस मैच में नियमित कप्तान विराट कोहली की जगह अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। इसके अलावा टीम में मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रविंद्र जाडेजा, आर अश्विन, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज होंगे। मेलबर्न टेस्ट के लिए टीम का जो सिलेक्शन हुआ है उस पर हमने बात की आज तक रेडियो के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से, और उनसे पूछा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए टीम इंडिया के
प्लेइंग 11 में कुछ फोर्स्ड चेंज हुए हैं और कुछ खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं और उनकी जगह नए नाम शामिल किए गए हैं। इसे कैसे देखते हैं आप, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट? देखिए, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद तो स्वाभाविक लग रहा था कि भारतीय टीम में चेंजेस होंगे। जाहिर सी बात है कि विराट कोहली नहीं है, वो पैटर्निटी लीव में आ गए हैं और कुछ प्रदर्शन के आधार पर भी चेंजेस होने थे, लेकिन एक आधा चेंज ऐसे हो गए हैं जिसको देख करके मैं थोड़ा सा हैरान हूँ। पहली बात तो ये कि लोकेश राहुल का नाम इस दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं है बतौर ओपनर। सरप्राइजिंग ये भी है कि रिद्धिमान साहा को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह पर शामिल किया गया है ऋषभ पंत को। ये दो चेंजेस जो है मुझे थोड़ा सा सरप्राइज कर रहे हैं। पृथ्वी शॉ का ड्रॉप होना तय था, वो हुआ है। शुभमन गिल का आना तय था, वो हुआ है। जडेजा का भी लगभग पता जा रहा था कि वो आएंगे, वो भी हुआ है। लेकिन लोकेश राहुल का ना आना मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोकेश राहुल को टीम में जगह मिलनी चाहिए थी, उनसे ओपन कराना चाहिए, तो आपकी नजर में वो कौन सा खिलाड़ी है जिसे इस टीम में नहीं होना चाहिए था? क्या वो शुभमन गिल होते? देखिए, लोकेश राहुल को बतौर ओपनर टीम में खिलाने की आवश्यकता थी। अगर मैं टीम प्रबंधन का हिस्सा होता तो डेफिनेटली मैं लोकेश राहुल से पारी की शुरुआत कराता, शुभमन गिल को खिलाता, लेकिन शुभमन गिल को विराट कोहली की जगह पर मैं खिलाता। तो इससे क्या होता कि शुभमन गिल भी खेल जाते, लोकेश राहुल भी खेल जाते। अब आप कहेंगे कि ड्रॉप किसको करते, तो शायद मैं हनुमा विहारी को ड्रॉप करता। हनुमा विहारी ने पहले टेस्ट मैच में कुछ खास किया नहीं, हालांकि प्रैक्टिस मैचेस में वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब चेंजेस होलसेल में हो रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि हनुमा विहारी को इसलिए कि जी आपने पिछले साल मेलबर्न में पिछले दौरे में आपने वहां पे ओपन किया था तो आपको एक मौका दिया जाए, या प्रैक्टिस मैचेस में आपने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया था तो इसलिए वहां पर आपको मौका दे देते हैं मेलबर्न टेस्ट में। ये कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, आप पहला टेस्ट मैच हारे हैं, एक हड़कंप की स्थिति मची है और इसके बाद जो भी परिवर्तन होंगे वो लॉजिक के आधार पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी मतलब मन किया बाहर कर दिया, किसी को अंदर कर दिया। शुभमन गिल को आप खिलाते नंबर चार पे, ओपन कराते आप लोकेश राहुल से, इससे होता ये कि टॉप ऑफ द ऑर्डर एक एक्सपीरियंस भी आता और तेज गति से रन बनाने की कुवत भी रखते हैं लोकेश राहुल। अब एक बच्चा डेब्यू कर रहा है, ओपन करेगा वो, जो कि मिडिल ऑर्डर में अक्सर खेलता रहा है, शुभमन गिल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने एक अनसर्टेनिटी तो फिर से रख लिया है इस सिलेक्शन के साथ ही। इकबाल, एक बदलाव तेज गेंदबाजी में भी हुआ है। मोहम्मद शमी चोट के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह सिराज लेंगे, जो कल अपना डेब्यू भी करेंगे, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा शमी की कमी की भरपाई कर पाना? देखिए, आप किसी भी खिलाड़ी एक बड़ी खुशी की बात होती है कि वो अपने देश के लिए अपने देश का प्रतिनिधित्व करे और डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि एक्साइटेड होंगे, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ईगर होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा नर्वस भी होंगे। शमी के रिप्लेसमेंट के तौर पर आकर के उनकी जगह को भर देना ये इतना आसान काम नहीं होगा, ये हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि एक फ्रेश बॉलर हैं, एक युवा गेंदबाज हैं, जाहिर सी बात उनमें अच्छा करने की ललक है, तो होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करेंगे पहले अपने जीवन का पहला टेस्ट मैच खेलते हुए। बट शमी की भरपाई करना इतना आसान नहीं है और भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि शमी पूरे टूर्नामेंट से पूरे सीरीज से बाहर हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जडेजा का इंक्लूजन हुआ है, बॉलिंग में एक एक्स्ट्रा हैंड मिल जाएगा कप्तान को, अब पांच बॉलर्स का ऑप्शन कप्तान के पास रहेगा, तो डेफिनेटली ये जो है कहीं ना कहीं कप्तान की थोड़ी सहूलत की बात जरूर होगी। अच्छा, एडिलेड में भारत की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी, तो जिन दो बल्लेबाजों पर गाज गिरी है वो है पृथ्वी शॉ और रिद्धिमान साहा। शॉ को ड्रॉप करना फिर भी समझ में आता है, पर क्या साहा को और मौके नहीं मिलने चाहिए थे? देखिए, यही बात मैं कह रहा था ना, ये दोहरा एक तरह से आपने मापदंड अपनाया है। आप हनुमा विहारी को खिलाना चाहते हैं कि जी चलो एक मौका देना चाहते हैं उनको, आप उसी आधार पे जिस खिलाड़ी ने अच्छा नहीं किया आपने उनको रखा, पृथ्वी शॉ को ड्रॉप किया क्योंकि आपको एक स्थायी को चाहिए ओपन करते हुए। वहां आप लोकेश राहुल को लेकर आते ना, आप लेकर आ रहे हैं नए बच्चे को, एक नए बच्चे को, इसलिए वो हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक साहा का सवाल है, मुझे लगता है कि साहा को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। टेस्ट मैचेस में जब भी आप उतरते हैं, एक आश्वस्त विकेट कीपर आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कैच भी बहुत महंगा पड़ जाता है कई बार टेस्ट मैचेस में, हमने देखा हुआ है।
तो ये अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि थोड़ा सा गलत डिसीजन टीम मैनेजमेंट का, चलिए अब तो डिसीजन लिया गया है, लिया जा चुका है, लेकिन ऑब्वियसली इस सिलेक्शन पे काफी कुछ सवाल तो खड़े होते हैं। अच्छा इकबाल, आखिर में बता दीजिए कि मेलबर्न टेस्ट में भारत के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती क्या होगी, गेंदबाजी या बल्लेबाजी, क्योंकि बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी बदला हुआ है और बैटिंग ऑर्डर में भी फेरबदल देखने को मिलेंगे। देखिए कमोबेश मुझे लगता है कि जो चुनौतियां एडिलेड के अंदर थी वही चुनौतियां भारत के लिए अब भी बनी हुई हैं। देखिए मौका बहुत अच्छा था, आपने ओपन करते हुए टॉप में जो है थोड़ा सा एक स्थायित्व देते, एक एक्सपीरियंस देते, लेकिन आपने वहां भी एक लूप होल छोड़ा हुआ है। बॉलिंग आपके शनी शमी के जाने के बाद जाहिर सी बात है कि वो बॉलिंग अटैक नजर नहीं आ रहा है। कोहली नहीं है मिडिल ऑर्डर के अंदर, जाहिर सी बात है कि वहां भी एक खालीपन आपको नजर आएगा। तो ऑब्वियसली कमियां या बहुत सारी चुनौतियां आज भी मौजूद हैं इस टीम के अंदर, इस दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपके पास हारने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वह सही चीज है। कोहली की टीम जो पहले टेस्ट मैच में हारी है, जाहिर सी बात है कि वहां स्टेक पर था बहुत कुछ, क्योंकि भारत की टीम के लिए कहा यह जा रहा था कि हम बहुत अच्छा खेलेंगे और हमारी बैलेंस टीम है, लेकिन पहले टेस्ट मैच में कलई खुलने के बाद ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो बहुत ही कमजोर टीम है, या कोहली चले गए, शमी चले गए, तो और ज्यादा जो है उम्मीदें इस टीम से कम हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी भी है इन तमाम खिलाड़ियों के लिए कि बड़े स्टार जो कि कोहली और शमी के रूप में नहीं है, ईशांत शर्मा नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो इनकी गैर मौजूदगी में टीम कितना आगे निकल सकती है, कितना बाउंस बैक कर सकती है, ये एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा इन खिलाड़ियों का। आज दिन भर में बस इतना ही। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। आप हमें जियो सावन, स्पॉटिफाई, गूगल और एप्पल पॉडकास्ट पर भी खोज सकते हैं। इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग कपिल देव सिंह ने की है। प्रतीक वाघमारे के साथ थे आप। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।